लिए चलते हैं आजमगढ़ और गृह मंत्री अमित शाह क्या कह रहे हैं, सुनवा। आज में आजमगढ़ लालगंज की एक पवित्र भूमि को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। रूसी पूर्वा था, रूसी दत्तात्रेय की भूमि है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओम जैसे शब्द के उपासकों की भूमि है और एक क्रांति की उद्गम ये आजमगढ़ को मैं प्रणाम करता हूं, लालगंज को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत। माताओं भाइयों बहनों, आज मैं जब यहां आया हूं तब 5 चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है, आज छठे का मतदान चालू है। मैं गाजियाबाद से लालगंज तक हर दौर में घूमता आज ये वीरों की भूमि पर आया। 5 चरण के परिणाम जानने हैं क्या आपको? अरे जोर से बोलो, जानने हैं क्या? देखिए 5 चरण में सपा बसपा का टुकड़ा साफ हो गया। एक छठे 7वें चरण में 5 चरण वालों ने भाजपा की सरकार बनाने का काम समाप्त। छठे और 7वें चरण का दायित्व है 300 पार की सरकार बनाना। और वो तभी बन सकती है जब आप बहन मिलन सोनकर को प्रचंड बहुमत से जिताकर लखनऊ में तभी। माताओं भाइयों बहनों, मैं 1 मार्च 2017 में लालगंज में आया था, आज मैं 3 मार्च को आया हूं। 5 साल पहले मैंने कहा था कि एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, हम यूपी को माफियाओं से मुक्त कर देंगे। मैं आज आपको कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ भाई ये अतीक अहमद कहां है? सुनाई नहीं पड़ता? अतीक अहमद कहां है? ये मुख्तार अंसारी कहां है? ये आजम खान कहां है? अगर गलती से भी साइकिल की सवारी करी तो ये जेल में रहेंगे क्या, जाएंगे क्या? आप क्या चाहते हो, जेल में रहे या बाहर रहे? अगर चाहते हो जेल में रहे तो कमल के निशान पर बटन दबाना पड़ेगा भाई, कमल के निशान। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम उत्तर प्रदेश को माफिया और बाहुबलियों से मुक्त करेंगे। 5 साल के बाद मैं आया हूं, 5 साल में योगी आदित्यनाथ जी ने माफियाओं को चून चून कर समाप्त करने का काम किया। अखिलेश यादव, आप हमें सवाल पूछ रहे हो, आप बताओ आपके 5 साल में कितने दंगे हो? 700 दंगे हुए थे अखिलेश के टाइम में, योगी जी के टाइम में एक भी दंगा हुआ है क्या? अरे आजमगढ़ में धूली जीप में 147 लेकर घूमते थे या नहीं घूमते थे? आजमगढ़ से जाकर अहमदाबाद में बम धमाके करते थे या नहीं करते थे?
हिम्मत है किसी की? है हिम्मत किसी की? अरे मेरी लाल रंग की छोटी बेटी भी किसी के सामने खड़ा होकर कहती है, हम आपसे नहीं डरते, आप हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो, क्या भारत ये परिवर्तन जो आया है, ये परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी ने लाया। एक जमाने में ये उत्तर प्रदेश में कट्टे बनते थे, छर्रे की गोलियां बनती, कट्टे और छर्रे की गोलियां बनाने वाला उत्तर प्रदेश आज मिसाइल और गोले बनाता है, जिससे पाकिस्तान भी डरता है। पाकिस्तान ये परिवर्तन करने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था की स्थिति को ठीक करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। अखिलेश बाबू, आप पूछ रहे थे क्या परिवर्तन आया है, परिवर्तन आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, आपने काला चश्मा चलाया है, जो काला चश्मा पहनता है उसको काला ही दिखाई पड़ता है, बस काला ही दिखाई पड़ता। मगर लालगंज वालों, मैं आपको हिसाब देने आया हूं, अखिलेश के 5 साल के बाद योगी जी के 5 साल आए, डकैती में 72% की कमी आई है, कितने प्रतिशत की? जोर से बोलो भाई, कितने प्रतिशत की? लूट में 72% की कमी आई, हत्या में 31% की, अपहरण में 29% की, और बलात्कार में 50% की कमी लाने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार। Yeah.